हेलो हाय, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं न्यू अफोर्डेबल प्रोडक्ट, जो कि मेकअप के भी हो सकते हैं, स्किन केयर के भी हो सकते हैं, अफोर्डेबल रहते हैं। उनके छोटे मोटे रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, सो दैट आपको क्वालिटी का पता चल जाए एंड आप अपनी हार्ड ऑन मनी वहाँ पर इन्वेस्ट करो कि ना करो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। सो उसी कैटेगरी में रिसेंटली स्विस ब्यूटी ने अपना एक इन हाउस ब्रांड क्रेज करके लॉन्च किया है। तो उसके अंदर आपको मस्कारा मिल जाता है, आईलाइनर, ब्लश, ब्लशर एंड आई शेडो की एक छोटी सी पैलेट मिल जाती है एंड मेकअप फिक्सर, मेकअप प्राइमर एंड टिंटेड लिप बाम, ऐसे करके चार पांच उन्होंने प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों को उनको लेकर के। एंड ओनली पर्पल पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो मैंने भी इनको बाय कर लिया था अभी 2 वीक पहले एंड मैंने इसको कंटिन्यू यूज़ किया है एंड आप लोगों के सामने छोटा सा रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बाय किए, मैंने सिर्फ मस्कारा, आईलाइनर प्लस ब्लश, तीन ही चीज़ें मैंने बाय की है क्योंकि तीनों की मुझे नीड थी। तो अभी मैंने इन्हीं को यूज़ करके छोटा मोटा लुक मैंने क्रिएट किया है एंड आप लोगों के साथ आगे मैं इसका फुल रिव्यू शेयर करूंगी। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको ना अफोर्डेबल कैटेगरी के काफी सारे न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने सिर्फ तीन ही प्रोडक्ट लिए हैं एंड मैंने तीन प्रोडक्ट में अगर मेरा मोस्ट फेवरेट अगर आप पूछोगे ना, तो ये मस्कारा मैं बोलूंगी। इसकी आउटर बॉक्स की पैकेजिंग आप लोगों को दिखाई दे रही कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट एंड कलरफुल है। इसकी ऑडियंस है उनको ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, दिखने में बहुत सुंदर है। एंड आउटर बॉक्स के अलावा अगर आप इसकी खुद की पैकेजिंग देखो ना, बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल अलग हटके है। अभी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसने ऐसी पैकेजिंग की है। हुडा ब्यूटी के जो मस्कारा है उसकी पैकेजिंग ऐसी बताई जाती है, बिल्कुल वैसी है, जो कि मैंने यूज नहीं, मैंने सुना है कि उसकी पैकेजिंग एंड इसकी पैकेजिंग सेम है, बड़ी प्यारी है। इसके जैसे आपको दिख रहा है ट्राइंगल शेप में है ये पूरा का पूरा एंड ये डुअल मस्कारा है। डुअल मस्कारा में आपको ना एक साइड मिलती है वॉल्यूम, एक साइड मिलती है लेंथ। की बेस्ट पार्ट लगी वो है यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे लेंथ के लिए है, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए नहीं, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम के लिए है, यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे रिटर्न है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किधर से मेरे को ओपन करना है। जब आपको लेंथ वाला पोर्शन ओपन करना है तो आप इसको कर सकते हो, वॉल्यूम वाला करना है तो इसको कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेटर की, तो ना ये पकड़ने में बहुत ज़्यादा हैंडी है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। आप अपने हाथ में लेके आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कोटिंग दे सकते हो। कई बार क्या होता है यहाँ से पकड़ने में अगर कोई मस्कारा ईजी नहीं है ना, तो कोटिंग बहुत अच्छे से नहीं होगी। और जिधर से लेंथ वाला है उधर से आप देख ही पा रहे हो कि इसकी वोंड एकदम पतला सा है, आपकी लेंथ दिखेगी एंड बिल्कुल भी क्लमजी नहीं करता है, एकदम से एक एक लेसेस को सेपरेट कर देता है लेंथ वाला जो अगर आप यूज करते हो। तो पहले मैंने वॉल्यूम की साइड वाला मस्कारा यूज किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो कोटिंग की ना वो लेंथ की। इससे ना एक अलग ही इफेक्ट आ गया अपनी आई लेसेस पे। और अगर आप सिर्फ लेंथ वाला यूज कर रहे हो या सिर्फ वॉल्यूम वाला यूज कर रहे हो ना, उसकी बजाय अगर आप इस तरह यूज करोगे तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। अगर इन साइड बात करूं वॉल्यूम की, तो ये है वॉल्यूम वाली साइड, जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा मोटा सा इसका वोंड है। अगर मैं पास से दिखाऊं तो बहुत ज्यादा मोटा है इसका वोंड जो है एंड बहुत अच्छे से आपकी आईज को ना एकदम वॉल्यूम दे देगा, एकदम घनी घनी दिखा देगा। एंड हल्की सी अगर सिर्फ आप ये यूज करता हो ना, हल्की सी ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ना चिपक रहा है प्रोडक्ट, ज्यादा तो नहीं बट हल्का मुझे लगा इसमें जब मैंने फर्स्ट कोट इसकी लगाई। एंड अभी नहीं, मैं 2-3 बार पहले भी इसको यूज कर चुकी हूँ, बट इसका जो इफेक्ट आता है ना माइंड ब्लोइंग एंड टिकता बहुत देर तक ऐसा। एंड आपको बिल्कुल फेक आईलेसेस वाला इफेक्ट आएगा एंड दी बेस्ट मुझे ये लगा। अभी मैंने यही अप्लाई कर रखा है। ये वाला मस्कारा वाटरप्रूफ है, बट 5-6 घंटों के बाद जब आप इसको रिमूव करते हो अपने मेकअप के साथ में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी आंखों को ब्लैक बना रहा है या फिर आपकी आईलेसेस खिंच के 1-2 साथ आ जाती है नॉर्मली मस्कारा के साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा। या तो मस्कारा वाटरप्रूफ होता नहीं है, जो वाटरप्रूफ होता है वो निकालने में बहुत जोर आता है, मम्मी याद आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली निकल जाएगा, कोई भी आईलेसेस नहीं खींची जाएगी एंड पार्ट्स में निकल जाएगा। तो बिल्कुल भी प्राइस है वो 300 है। अभी आप पर्पल से बाय करोगे तो आपको 250 या 25 तक आपको आराम से मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मस्कारा मैं इसको बोलूँगी। सो गो फॉर इट। सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये वाला आईलाइनर, स्टंप ड्यू आईलाइनर। वो ग्रीन एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन था, ये ऑरेंज एंड ये वाले ब्लू का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूर्की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। ये वाली आपको आउटर बॉक्स मिलता है जिसपे एक्सपायरी डेट, प्राइस सब कुछ मेंशन है। बात कर लेती हूँ मेन पैकेजिंग की और मेन प्रोडक्ट की, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा पेन स्टाइल में एंड बहुत ही सुंदर क्यूर्की पैकेजिंग के साथ में आता है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये आईलाइनर प्लस विंग आईलाइनर बनाने के लिए ये स्टंप का यूज करता है। ये भी बहुत ही
ही शानदार एंड अलग हटके में प्रोडक्ट बोलूंगी। ये एक साइड आपको मिल जाता है ऐसा स्टंप, अगर आप कि आप आराम से विंग ड्रो कर सकते हो, जैसे आप लोगों को दिखाई दिया कि इस तरह आपकी आईज पे बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा विंग लग जाएगा। एंड ये स्टंप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जस्ट आपको हल्का सा प्रेस करना है एंड बहुत ही सुंदर विंग बन जाता है। जैसे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विंग आईलाइनर बनाने के लिए, उनके लिए ये बेस्ट है। ये जस्ट दिखाने के लिए स्टंप आईलाइनर नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। नॉर्मली अगर आप ऐसे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हो ना, स्टंप आईलाइनर या फिर ऐसी कोई चीज़ पे, जैसे आजकल काफ़ी सारे हैक चल रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करते हैं। बट ये बहुत ही सिंपली बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छे से आईलाइनर बन जाता है, बहुत प्यारी सी विंग आईलाइनर बन जाता है। तो ये स्टंप वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरी तरफ से ये थम्स अप है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर जिनको विंग आईलाइनर बनाना पसंद है, उनको एक एक घंटा लग जाता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है एंड बहुत इजिली ये काम आएगा। अगर मैं बात करूँ सेकंड साइड की, तो उसमें आपको मिल जाता है ये वाला पेन वाला आईलाइनर, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बट मुझे ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, ये देखो, ये चलने में ना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, मेरे को चलने में थोड़ा सा हार्ड लगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हालांकि हाथ पे ये बहुत अच्छा चल रहा है, बट क्योंकि आंखों पे चलाना ना थोड़े से आपके आईसेस भी रहती है एंड उसके पास पास इसको चलाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंडली मुझे प्रॉब्लम आई ये वाले बॉन्ड को पकड़ने में। अगर आप बिगिनर हो आईलाइनर लगाने में, तो आपको ये वाला बॉन्ड जो है वो पतला होना चाहिए, पतला होगा तभी आप इजिली लगा पाओगे, अप्लाई करने में बहुत ईजी रहेगा। बट ये जब मोटा रहता है ना, तो आपको ध्यान से लगाना पड़ता है, जल्दबाजी में स्टेक लाइन ड्रो की ऐसा नहीं होगा, हाथ इस पे जम जाएगा ना अच्छे से। आपने 5-6 बार इसको यूज कर लिया, आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तब प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 250 की रेंज में अगर आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो इसको ले लीजिए, कहीं नहीं जा रहे, आपके पैसे बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये अगेन थम्स अप है। इसके बाद मैंने जो तीसरा प्रोडक्ट लिया है वो लिया है ब्लश। ब्लश की जो पैकेजिंग है अगेन अलग है, तीनों की पैकेजिंग आप लोगों को मैंने दिखाई कि कितनी डिफरेंट है। इसकी ये दो कलर आपको मिल रहा है, पता नहीं ये प्रेग्नेंट लेडी क्यों लग रही है मुझे, इसके ऊपर उन्होंने इसका प्रिंट क्यों दिया, लग रहा ना प्रेग्नेंट लेडी है जैसे, मतलब नॉर्मल दे देते यार इतना। हालांकि अच्छी लग रही है ये भी। बात करती हूँ ये वाले पैकेजिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में ये आता है, बहुत लग्जूरियस, बहुत ही ज़्यादा फैंसी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा अच्छा दिखता है ये वाली पैकेजिंग में। एंड ये पीछे सब कुछ सेड वगैरह सब कुछ मेंशन है, यहाँ पे प्राइस भी मेंशन है, अंडर 300 आ जाता है, 250 में आपको मिल जाएगा आराम से। जैसे मैंने कहा F03 एप्पल पाई इसका नाम है, एकदम नेचुरल सटल्ड सा है। अगर अब मैं बात करूँ सेड रेंज की कि कैसे कैसे सेड है, सारे के सारे जो है वो वाइब्रेंट कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा सटल्ड वाले हैं। जैसे अभी समर आ रहा है, गर्मियों में ना उतने हॉट पिंक वगैरह अच्छे भी नहीं लगते, ऐसे नेचुरल कलर ही अच्छे लगते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, दिख रहा है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे उंगली उठाई, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर, एकदम बटरी स्मूथ जो टेक्सचर होता है ना वो है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ये देखो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड इजीली ब्लेंड हो जाता है फिंगर की हेल्प से। ये ब्लश जब मैंने अप्लाई किया था, तो ये वाले ब्रश की हेल्प से कर लिया एंड थोड़ा सा ज़्यादा पिकअप हो गया एंड मुझे इसको सेट करना पड़ा पाउडर की हेल्प से। तो आप डेली यूज़ में ये वाला सेट यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कोरल सा जो पिंक कलर होता है ना वैसे बोल सकता है, या न्यूड कलर हम बोल सकते हैं, मेकअप भी यूज़ कर सकते हो। ये वाले ब्लश को मैंने मेकअप के साथ प्लस विदाउट मेकअप दोनों तरह यूज़ किया है। विदाउट मेकअप भी ये ना आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है, बिल्कुल भी वाइब्रेंट कलर नहीं है, एकदम सेटल्ड सा है, न्यूट्रल सा कलर जो होता है ना, न्यूड कलर वैसा कलर है। सो ब्लश भी मेरी तरफ से जस्ट वाव है। ये था मेरा छोटा सा होल प्लस रिव्यू वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे आया मस्कारा, मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।